त्रिवल्ला चार स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 31वीं परिच्छेद में 9-10वें सूत्र में क्रोध त्याग की बात कर रहे हैं। संसार में कोई महाज्वाला है जो कि आत्मिक गुणों का दहन करने वाली है, वह क्रोध बननी है, क्रोध कसा है। क्रोध के काल में व्यक्ति पूर्ण भूल चुका होता है करनी अकरनी को, कथनी अकथनी को, जिनको तुम पूज्य कह कह के, आदरणीय कह करके सम्मान देते हो, क्रोध के भड़कने पर उन्हीं को नादर करता जी, किंचित मात्र भी सम्मान का भाव नहीं रखता। कसाएं भड़कते ही सम्मान समाप्त, कसाएं भड़कते ही सम्मान समाप्त। पूज्यों के प्रति पूज्य भाषा तभी तक है जब तक तुम्हारे पास कसाय का अभाव है, मंद कसाय, कसाय नहीं भड़कती। और जैसे ही कसाय भड़कती है तो पूज्यों के प्रति पूजनीय भाषा तुम्हारी विलीन हो जाती है। आपकी भाषा विलीन हो सकती है लेकिन पूज्य का पूज्यपना विलीन तो नहीं होता। समय आएगा, पश्चात आपकी आग में झुलसोगे। और पुण्य पुरुषों के प्रति अशुभ वचन बोलने से स्वकीय पुण्य का क्षय होता है, इसको अपने हृदय में बिल्कुल नोट करके चलना। पुण्य पुरुषों का, पुराण पुरुषों का अवनवाद करने से, अपमान करने से, अशुभ नाम लेने से, अशुभ भाषण करने से जीव के पुण्य का क्षय होता है। पुराण पुरुषों के नाम जपने से पुण्य की वृद्धि होती है। तीर्थंकर महावीर स्वामी क्या है, पुराण पुरुष नहीं है क्या? ऋषभदेव क्या है, पुराण पुरुष नहीं है क्या? तो आप जो माला फेरते हो श्री आदिनाथ जिनेन्द्रायना, ऋषभदेव जिनेन्द्रायना, मतलब ये क्या, तुम पुण्य पुरुषों की माला ही तो फेर रहे हो। और उनके नाम की माला फेरने से आपके पाप का क्षय होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, और ऐसा पुण्य होता है व्यक्ति सम्राट पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं, तुरतम तस्सिद्धन्ति सर्वे मनोरथा इंदुरीकृतो नित्यं क्रोधग्नि शांत चेतसा। बोले तुरतम तस्म सिद्धन्ति, संसार में तुरंत ही सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति क्षमाभान होता है, तुम बिने पूरक शांति से कोई काम कराना चाहो तो तुम्हारा शत्रु भी तुम्हें काम करके दे देगा, इतनी बने में ताकत है। बहुत बड़ी ताकत है बने में। तो तुम तस्सिद्धन्ति सर्व ए मनोरथा सवेरे मनोरथ एन दूर नित्यम, जो सारे मनोरथ संत परिणामों से धोते हैं, सारी संपत्तियां मिलती हैं, सारे लोग मिलते ही हैं, तो ऐसा हम क्यों करें क्रोध करके अपने आप से लोगों को दूर क्यों कर लें? सारी संपत्ति तुम्हें दे रहे हैं, शांत भाव से तुम बोलो, किसी से बात करो, व्यक्ति तुमको सब लुटा देगा। और तुम मैं यहाँ पर आया हूँ, समझते हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? एक इंसान हो, कसाई हो, कसाई हो, अहिमानी, अहंकारी हो, कोई विनय पूर्वक भाषा का प्रयोग करो, शांत भाव से बोलो। और कसाय आती भाषा बिगड़ जाती आदमी की, अपनी वाणी को मधुर और सत्य प्रियता के साथ रखना चाहते हो तो कसाय के काल में मौन ले लो, तुम्हारी कसाय मन में रहे, बाहर ना भड़के। कोई बाहर भड़क गई आप सोचते हो कि हमने जिस पर कसाय की है उसका काम बिगड़ेगा, पर उसका काम बिगड़े ना बिगड़े पर तुम्हारा काम जरूर बिगड़ेगा। तुम्हारे पर जो आस्था थी लोगों की भी कमजोर पड़ जाएंगे। बोली महाराज हम समझते आप बहुत शांत रहते, इतने गुस्से हो, इसलिए तुरंत सर्व ए मनोरथा। कुछ लोगों की आदत रहती है चिल्ला के काम को पूरा कराना, गुस्सा करके काम पूरा कराना,
तो कुछ साधु पुरुष होते हैं शांत भाव से काम करो, और नहीं कर रहे तो शांत भाव से घर चले जाओ। एन दूरी कृतो नित्यम क्रोधं शांति, इसलिए दूरी कृतो उसको दूर कर दो, क्रोधो एवं शांति सा क्रोध अग्नि को दूर करके शांति को धारण करो, क्रोध अग्नि का त्याग करके शांति को धारण करो। किसी व्यक्ति को आप जो है ना संवेदनशील होकर के भी तंग मत करो, तो कुपित होकर भी तंग मत करो। दोनों विधियां आदमी आपके पास हैं, फंसाने के दोनों तरीके हैं, फंसाने के दोनों तरीके हैं। प्रेम की भाषा में फंसाता आदमी, कसाय की भाषा में फंसाता आदमी, और इस प्रकार से प्रयोग करेगा कि आप बिल्कुल प्रभावित हो ही जाएंगे, पर उसके भीतर कोई प्रभावना का उद्देश्य नहीं था, वो तो ये सोच रहा था सामने वाले को फंसाना है मुझे। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं दूरी करो नित्यम, ऐसे क्रोध को नित्य दूर करो। शुभ सोनी ये चंडा सनून अमृत सन्निवाह, और जो अचंडा क्रोधी लोग हैं वो सबसो अपने से बाहर हैं, आपे से बाहर, जो स्वयं को ही अपने बस नहीं कर पा रहा है वो दुनिया को बस क्या कर पाएगा। क्रोधी आदमी स्वयं को बस नहीं कर पा रहा, दुनिया को बस क्या कर पाएगा। क्षमाशील स्वयं कसाय को बस किए, उस क्षमा के नियोग से जगत में सब बस हो जाते हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी से मिलो, छोटी उम्र में चले गई, उनके सामने कौन था, उनके पास क्षमा बल था, ज्ञान का बल था। ये व्याप्ति आपकी घटित नहीं हुई। बहुत सारे ज्ञानी ऐसे देखे गए ज्वालामुखी, और उनका ज्ञान होने पर उनका ज्ञान का प्रयोग नहीं है। अरे किसी कोई भूल हो गई ना तो एकदम झुझलाओ मत, प्रेम से बात करो। जिसे तुम ज्ञान मान रहे हो वो ज्ञान अज्ञान है, जिसे ज्ञान मान रहे हैं वो अज्ञान है। तुम शास्त्रों ज्ञान को ज्ञान मानते हो अज्ञान है। भीतर की आत्मा से जो वेदन होता है कसाय अशुभ है वो ज्ञान है। इसलिए भीतर का ज्ञान ही ज्ञान है। याद सुबह से नहीं चंडा, जो सुबह से नहीं चंड पुरुष सा नूनम मृतन सन्नवा, वो निश्चय से मरणासन आदमी पर, मरणासन आदमी पर क्या करुणा दिखाएगा। जिस व्यक्ति को संपर्क दया नहीं है वो दूसरे पर क्या दया दिखा पाएगा। जो क्रोध से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप से बाहर जा रहे हैं, वो मृतक के समान है। क्यों, जिसमें क्रोध का करना त्याग दिया वह संतों के समान है। सामान्य ग्रस्त है वो क्रोध नहीं करता, बोले सब कर लूंगा मैं, गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा नहीं करोगे ना तो आचार्य महाराज क्या लिख रहे मालूम, यश को प्रत्यागी, जो क्रोध का त्यागी होता है तपस्वी योगी तुल्य होती, वो योगी के तुल्य हो रहा है। सुनो ध्यान से, इतना सारा काम बिगड़ गया तुंकारी का, सारे मटके फोड़ दिए तेल के, तब भी गुस्सा नहीं किए, तो उसने कहा कि आपके सात घड़े फूट गए तब भी आप गुस्सा नहीं आया। बोले गुस्सा का फल मैं पा चुकी हूँ कि तुंकारी की तुंकारी उसके लिए गुस्सा में निकल गई घर के बाहर, चांडाल ने पकड़ लिया, उसके शरीर का रक्त निकाल कर कपड़े
रंगते थे, इसलिए लाल कपड़ों से हार नहीं लेते थे। क्यों? उसमें कपड़े खून से रंगते थे। तो अब उसके सात घड़े फूट गए, तब भी गुस्सा नहीं आई। अब क्या है हार्दिक, जरा से कोई विपरीतता आ जाए, एकदम चेहरा बन गया। अब क्रोध दो प्रकार का होता है, एक मोह से बोल के करना क्रोध, और एक बिना बोले क्रोध करना, उपेक्षा कर देना दूसरे की। दोनों ही घातक हैं। स्वयं के लिए ज्यादा अंदर का ही है, और बाहर के लिए बाहर का क्रोध बहुत घातक है। इसलिए आचार्य मन के यस्य कोपम प्रत्यागी योगी तुल्य होती सा, वो योगी के तुल्य होता है, सुवैमान होता है, योगी तुल्य। अब भोले जैसे लोगों को समझना पड़ेगा, जब ठंडे होते तो भगवान जैसे दिखते हैं, और जब कसाय आती ना तो दानव भी एक शांति पकड़ ले, महा दानव का रूप बन जाए। तो हमको उसमें ध्यान रखना है कि कसाय के काल में विवेक नाम की वस्तु रखी जाए। इस प्रकार समझना, कसाय नहीं करने वाला जीव ग्रस्त होकर के योगी तुल्य है, वो कसाय करने वाला जीव योगी बन के भी चांडाल है।